क्वेश्चन नंबर 12 को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एग्जांपल में सॉल्व किया था। अब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के अंदर है तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैं छुड़वा देता हूँ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लो, बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और देखो आपसे क्या कह रहा है। उसने ये कह रखा है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट देखना है। लेट अस सपोज कि आपके पास ये दरवाज़ा है, तो जहाँ पर ये दरवाज़ा फिट होता है उनको कब्जे बोलते हैं, कब्जे, और जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं वो हैंडल वाला हिस्सा होता। तो हम इसके अबाउट इसका मोमेंट निकालते हैं, तो फोर्स ये लगाते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास जो मोमेंट निकल कर आता, मोमेंट निकल कर आता, वो आता आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आता मोमेंट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मोमेंट अबाउट ये होता है और ये पॉइंट वो होता है जहाँ पर फोर्स लग रही होती है। अगर आपके पास ये पॉइंट दे रखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखें तो बहुत अच्छी बात है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखें तो बहुत अच्छी बात है। तब आपको ये निकालने के लिए, इस वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट जो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं या फिर पॉइंट की फॉर्म में दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी आर वेक्टर, और वो माइनस करके। देखो कैसे, आपको बताता हूँ। यहाँ पर फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट का अबाउट निकालना है। हमसे कह रहा फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इतने, फोर्स जो लग रही है वो ये लग रही है। तो पहले तो एक काम करो, फोर्स को ख़त्म कर लो, ये बता करके कि क्या दे रखा आपको। गिवन दैट में जो फोर्स दे रखी है उसको लिखोगे, कितना है 3i, जे नहीं है तो आप कहोगे 0j प्लस 1k, इस तरह से ये फोर्स है। अब आपके पास ये फोर्स जो लग रही है वो इस पॉइंट पर लग रही है, इस पॉइंट पर लग रही है ना। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना ध्यान से, और जो फोर्स लग रही है वो इस पॉइंट पर लग रही है, तो आप इस वाले पॉइंट में से उसको माइनस करोगे, क्योंकि फोर्स लग रही है यहाँ पर, इसके अबाउट देखना, तो इस वाले इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आर वेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जल्दी से एक बार फिर से, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट को माइनस करोगे किस में से, जहाँ पर लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर, इसमें से माइनस कर दो जिसके अबाउट चाहिए, कितने i प्लस का 2j माइनस का k। होप सो समझ में आ रहा होगा, जरा सॉल्व करते हैं इसको। 2i में से एक i निकालोगे तो बचेगा i, ये माइनस का j है और ये माइनस का 2j, तो हो जाएगा माइनस का 3j, ये प्लस का 3k है और ये आपके पास में माइनस माइनस प्लस का 3k, तो हो जाएगा प्लस का 4k। तो ये आपके पास r वेक्टर निकल कर आ चुका है। अब आप कहोगे मोमेंट, इसको टॉर्क भी कहते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो आपको r क्रॉस f इनकी वैल्यू दे रही है, तो वैल्यू दे रही है, इनको क्रॉस निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बना लो i वेक्टर के, अब देखो r के अंदर, r वेक्टर के अंदर i j k के कोफिशेंट कितने, 1 -3 4, f के अंदर देखो i j k के कोफिशेंट 3 0 1, बस इसका ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो। आंसर सॉल्व करोगे आई के लिए, जब आई के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस का थ्री, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, आई के लिए हो गया माइनस लगा के जे के लिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस 4 3 12 माइनस के 12। इसी तरीके से प्लस का के लगाओगे के लिए सॉल्व करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0, माइनस लगाओगे 4 3 12, 4 3 12 होंगे क्या, मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, तो 3 3 9 -9, तो -9 ये कुछ इस तरह से, ठीक है सही कर, सॉल्व करो इसको, तो माइनस का 3i, माइनस के 11 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस के 11j, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 9k। तो ये आपके पास आ चुका है टॉर्क, या फिर आप कह सकते हो मोमेंट, माइनस के 3i प्लस के 11j प्लस के 9k।
तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था, ना मैग्नीट्यूड पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ईजी भी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके एसएल से कवर करा दिए जाएंगे, बस बने रहिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। कर दो सपोर्ट यार सब्सक्राइब करके।